मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। टुडे वी आर डिस्कस ए न्यू टॉपिक, एक नया टॉपिक लेके आए हैं, केमिकल इन फूड्स। कि आप जो खाना खाते हैं भाई, सभी को इंटरेस्ट होता है खाना खाने में। कोई कहेंगे पिज्जा, बर्गर, चपाती, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स यू टेक इट, आप लेते हो। आज उस नए आर्टिकल के साथ, आज इनके बारे में क्या बात है कि भाई कौन सा मीठा है, खट्टा है, स्वाद में आता भी है, उसमें नहीं आता, या फिर उसके अंदर कौन से फ्लेवर्स हैं, फिर किस टाइप्स का उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, क्या उसके अंदर हमारे पास स्टेबलाइजिंग एजेंट है या नहीं है, वो हमारे खाने लायक है या नहीं है। वी कैन डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इन फूड, ठीक है। अब कहते हैं केमिकल इन फूड्स में पढ़ने के लिए, हमेशा जब खाना खाते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि भोजन है ना वो कैसा है, दो दिन पुराना है, बासा तो नहीं, खराब तो नहीं हमारे पास, कि भाई जिसको हम बोलते कि भाई ये तो खराब हो गया, ठीक है, सड़ गया, इसमें स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है। अरे कहते कि ताजा है, इसका फ्लेवर अच्छा है, इसका कलर अच्छा है, इसमें अच्छे है हमारे पास फैट्स विटामिन मिनरल अच्छे हैं, तो हम उसको खाते हैं। तो आज उसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कह रहे ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ फूड नंबर ऑफ केमिकल्स आर एडेड टू इट, कि इस फूड के भोजन बनाने के दौरान हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ केमिकल्स हमारे पास कहते हैं आर एडेड टू इट टू इंक्रीज इट्स सेल्फ लाइफ, क्या इंक्रीज करते हैं सेल्फ लाइफ एंड आल्सो मेक्स अट्रैक्शन, और उसको अट्रैक्शन मीन अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसकी तरफ हमारा झुकाव होता है, लगाव होता है, उसके अंदर अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है, वो कहलाए हमारे पास केमिकल इन फूड। और तो मेन फूड एडिटिव मीन्स मेन फूड भोजन के अंदर मेन रीजन है हमारे पास क्या क्या सोर्स है, जो उसके पॉइंट्स होते हैं कि उसका कलर कैसा है खाने का, हमारे पास फ्लेवर स्वीटनर वो स्वाद में कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा भी हो, एंड एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर किस प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास ग्रेप्स है, मैंगोज है, मैंगो चटनी होती है, इनमें हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल पार्टिकल्स को, क्या उसके अंदर फैटी वजह क्या वो हमारे पास फैटी भोजन है कि हमें मोटा कर दे, ये कर दे, फैट बढ़ा दे शरीर में, मीन्स फ्लेवर इंप्रूवर उसके अंदर फ्लेवर इंप्रूवर, उसको भी प्रिजर्वेटिव उसको खाने भोजन खराब होने से बचाना, और न्यूट्रिएंट्स जो उसके अंदर पाए जाते हैं मिनरल्स विटामिन प्रोटीन एक्सेट्रा, दीज आर फूड एडिटिव विच आर फाइंड ए हेल्थी फूड, जो एक अच्छे हेल्थी फूड में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा लगता है ना सभी को, आप क्या कहेंगे अक्सर मैं तो पिज्जा खा रहा हूँ, कभी डाल दे मिर्च ज्यादा डाल देते हैं, कभी कुछ और ज्यादा फ्लेवर, जैसा आप डालोगे ना विटामिन में, तो हमारे पास क्या होता है उसके अंदर अलग अलग कलर मिलते हैं, उसके कलर से ही पता लग जाता है कि किस प्रकार का हमारे पास भोजन है। तो पहले हम बात करते हैं, आज हम फर्स्ट पॉइंट इसके बात करते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, आर्टिफिशियल जो आदमी के मैनमेड क्या है भाई हमारे पास मैनमेड, वैसे तो हमने पढ़ा है शुगर कह लो या इसको सुक्रोज, शुगर कह लीजिए या इसको सुक्रोज कह लीजिए, कह रहे शुगर इज ए नेचुरल, हमारे पास शुगर या शुगर जो सुक्रोज है वो एक नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक है, कैसा है नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है हमारे पास, ठीक है। फिर भी हमारे पास कहते हैं कि एक्सेस ऑफ अजम्पशन, अगर हमने इसकी ज्यादा मात्रा ले ली तो इट प्रोड्यूस मैनी डिजीज इन आवर बॉडी, वो बहुत ही ज्यादा कुछ सीधी प्रकार की हमारे पास बॉडी में क्या करता है कि बीमारियां उत्पन्न कर देता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कहते हैं डायबिटीज होती है, कोरोना वायरस से हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, एटसेट्रा, शुगर बोलते हो आप जिसको, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी कब व्हेन एक्सेस अब्सॉर्प्शन ऑफ शुगर। अब उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, फिर हम यूज करते हैं मैनी डिफरेंट काइंड्स, हमारे पास मैनी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आर आइसोलेटेड एंड दे आर नॉन मैलेवेटिव्स एंड दे आर मोर शुगर, मोर स्वीटनर देन शुगर, वो उससे भी ज्यादा शुगर से भी मीठे होते हैं हमारे पास, ठीक है, और वो हमारे पास क्या कहते हैं उनको यूज करते हैं किसकी जगह, शुगर की जगह यूज करते हैं, ठीक है, किसमें खाने में यूज करते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक में यूज करते हैं हमारे पास एक्सेट्रा, और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है सैक्रीन,
दूसरा हमारे पास क्या है, एस्पार्टेम, ये हमारे पास दीज आर द टू आर्टिफिशियल स्वीटनर, और भी है एरिडेम, सुक्रोज, एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, दीज आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, दीज आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, मैनमेड होते हैं शुगर सुक्रोज, सैक्रिन, एस्पार्टेम, एरिडेम, सुक्रोज। देखो भाई सैक्रिन जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सल्फोबेंजीनामाइड, हमारे पास क्या होता है बेंजीन होता है, बच्चों इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, बेंजीन होता है ठीक है, और हमारे पास सल्फोमाइड होता है SO2 CO और NH, दैट इज योर सैक्रिन्स। ओके सैक्रिन हमारे पास क्या है, एस्पार्टेम, ये भी हमारे पास क्या होता है, स्वीटनिंग एजेंट होता है, और इसके बारे में बोला गया भाई एस्पार्टेम में हमारे पास नियरली अमाउंट क्या होता है 500 कह सकते हैं उसमें, कि ये इट इज मिथाइल एस्टर होता है, इट इज एस्पार्टेम कहते हैं, इट इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड एस्पार्टेट फिनाइल एनिलीन, ठीक है, इट इज अबाउट 100 टाइम्स, ये कितना होता है बच्चों लगभग 100 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, ठीक है। अब इस पे देखिए, अब इसका फार्मूला देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, NH3CCH2CO नेगेटिव, देखिए यहाँ पे, अब हमारे पास क्या है CHCO डबल बोन हमारे पास, यहां तक इसने कहा ना इथाइल एस्टर हमारे पास, ये आगे एस्टर लिंकेज, कौन से लिंकेज आ गए हमारे पास, ये एस्टर लिंकेज आ गए, इसमें आ गया अमाइड NHC, फिर हमारे पास NH, अमाइड लिंकेज होती है NH2NH, अमाइड लिंकेज, ठीक है, NH2 होता है अमाइड बॉन्ड होता है, ये लिंकेज है अमाइड लिंकेज है हमारे पास CH C, और ये क्या बन गया हमारे पास बेंजीन CH3। देखो यहां तक हमारे पास मोनोमर जुड़ती हुई चली जा रही है, और दूसरी हमारे पास क्या हो गई CH CO नेक्स्ट, देखिए सेम ऐसे के स्टेप पे आ रहे हैं हमारे पास, और हमने इसको लिख दिया OCS3, दैट इज योर एस्पार्टेम, ठीक है, ये हमारे पास क्या है एस्पार्टेम, इसमें हमारे पास NH3 सॉरी यहां पे पॉजिटिव, ये देखिए ये आपके पास स्ट्रक्चर किसका है, सैक्रिन्स है, एस्पार्टेम्स है, ये आपके पास दीज आर आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट्स एंड दे आर मोर लगभग सारे के सारे, ये तो एलिडेम से लगभग 2000 टाइम्स स्वीटनर देन शुगर, ठीक है, ज्यादा मात्रा हो जाती है बॉडी के अंदर, इसको लेते भी नहीं हमारे पास बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास हमने फूड कलर्स में पढ़ा है, में आपके पास केमिकल इन फूड्स में, बच्चों दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो आपके पास है फूड प्रिजर्वेटिव्स, क्या आ रहा है हमारे पास फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स हमारे पास क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव जो हमारे पास, ये हमारे पास बात करें इसमें फूड प्रिजर्वेटिव में हमारे पास क्या होता है कि भैया कोई खाना बना हमारे पास क्या है फूड आइटम्स कंटेनिंग, क्या होता है भाई फूड आइटम कंटेनिंग, वो क्या कंटेन करते हैं हमारे पास मॉइस्चर एंड गेट स्पॉइलेज्ड, गेट स्पॉइलेज, वो क्या क्या उन्होंने फूड करते आइटम ने क्या क्या बाहर से क्या लिया नेचर से क्या लिया हमने क्या लिया मॉइस्चर लिया और वो क्या स्पॉइलेज हो गया, और क्या हो गया ड्यू टू किसके कारण तो स्पॉइलेज है due to growth of microorganism, इसके वजह से due to growth of microorganisms, इनकी कारण, और हम क्या करते हैं इनको these इसके अंदर फिर हम क्या मिलाते हैं these can be inhabited of preservatives and that is known as food preservatives, ठीक है, that is called food preservative and they may be classified into two ways, class second,
ग्लास फर्स्ट में तो हमारे पास क्या आ गए, टेबल सॉल्ट, सुगर, वेजिटेबल ऑयल्स एक्सेट्रास, वेजिटेबल ऑयल्स एक्सेट्रास, ये आ गए हमारे पास क्लास फर्स्ट में। तो सेकंड हमारे पास क्या आ गया, केमिकल प्रिजर्वेटिव। केमिकल प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, वो आपके सेकंड क्लास में क्या आ गया भाई आपके पास, केमिकल प्रिजर्वेटिव भी आपके पास क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास है फर्स्ट बेंजोइक एसिड, फर्स्ट आपके पास कौन सा है, बेंजोइक एसिड, और दूसरा हमारे पास क्या है, पोटासियम मेटाबोलिज, पोटासियम मेटा आपके पास कौन सा है, पोटासियम मेटा बाइसल्फाइड, इसको भाई आप दूसरा कह सकते हो, पोटासियम जगह क्या ले सकते हो भाई, सोडियम भाई, इसका नाम क्या, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। चलो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स क्या है, जब आपका खाना जो फूड आइटम कंटेन कर रहा है, मॉइस्चर कर रहा है, स्पॉइलेज कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू फूड मटेरियल पार्टिकल्स, किससे हमारे पास गए, टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज, इसमें टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज, कि खाने को खराब होने से बचाने के लिए उसमें स्मेल, जो खराब स्मेल आ रही है, गंध आ रही है, बदबू आ रही है, भाई उसको बचाने के लिए जो केमिकल इसके अंदर डाले जाए वो कहलाते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव। और दीज आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट कहला है बेंजोइक एसिड, सेकंड क्या है हमारे पास, पोटासियम मेटा बाई सल्फाइड या सोडियम मेटा बाई सल्फाइड, ठीक है। ये आपके पास दूसरे हमारे पास, ये फूड प्रिजर्वेटिव जी जो बेंजोइक एसिड है, ये कहाँ यूज होता है हमारे पास, जैम्स होते हैं, स्क्वैश होते हैं, फ्रूट जूस होते हैं, मैंगो चटनी होती है, एक्सेट्रा वहां होते हैं, कौन यूज होते हैं भाई, बेंजोइक एसिड यूज होते हैं। और जो तो दूसरे हैं ये कलरलेस फूड प्रिजर्वेटिव फूड पे काम करते हैं, ये वाले किस पे काम करते हैं, कलरलेस फूड पे, अगर ये कलरफुल पर यूज कर लें, तो कलरलेस होता है हमारे पास कलरफुल पे, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी इसलिए वो वहां पे काम नहीं करते, बिकॉज सल्फ्यूरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, केमिकल जो ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है, इसलिए इनको हम कलरलेस फूड मटेरियल पार्टिकल्स में ही यूज करते हैं, दैट इज योर सेकंड पार्ट, फूड प्रिजर्वेटिव। अब देखो इसमें छोटा सा एक टॉपिक है बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट, थर्ड है एंटी ऑक्सीडेंट, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि भाई एंटी ऑक्सीडेंट्स हमारे पास क्या है। एंटी मींस होता है अपोजिट, ऑक्सीडेंट मींस अगर किसी खाने में ऑक्सीजन चली जाए, कोई खाना रखा खुला ओपन एयर में, हवा उसके अंदर एंट्री करती है, ऑक्सीजन जाती है, उसके अपोजिट काम करे, उसके अपोजिट काम करे, यानी दो सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट या स्लो डैमेज टू सेल कॉज्ड बाय, किसके द्वारा, फ्री रेडिकल अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो प्रोड्यूस किए गए, दैट द बॉडी प्रोड्यूसेस, दैट इज नोन एज एंटीऑक्सीडेंट। क्या काम है भाई, दो सब्सटेंसेस दैट कैन प्रिवेंट, दोज substances that can prevent, जो रोक दे या और slow damage, slow धीरे या तो उसको रोक देते हैं या slow करते हैं, slow damage of cell, of हमारे पास किस चीज को करे, of cell जो किसके द्वारा प्रोड्यूस हुए, which caused by फ्री रेडिकल्स या अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा
विच प्रोड्यूस आवर बॉडी। आपके पास क्या कह रहा है एंटी ऑक्सीडेंट, हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास एंटी ऑक्सीडेंट है। ये एंटी ऑक्सीडेंट हमारे पास क्या है भाई, फ्रूट है, फ्रूट जूस है, फ्रूट्स है, फ्रूट जूस है, चिप्स है हमारे पास सारे एक्सेट्रा है, डार्क चॉकलेट्स है, कॉफी है, टी है, सारे के सारे क्या होते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, कॉफी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। ठीक है, कॉफी लिया करो भाई, कॉफी पीनी चाहिए हमें, चाय से तो अच्छी कॉफी है उसमें लेनी चाहिए। तो दैट इज योर केमिकल इन फूड भाई, ज्यादा नहीं है, दैट इज वी कैन डू ओनली CBSE एंड HBSE सिलेबस आल्सो। मैं ये नहीं कहता कि हमारे नीट में आएगा, ITJEE में आएगा बेटा, परंतु आपके पास CBSE और HBSE इससे बाहर नहीं आएगा। कोई लिखना जो मैंने आपको बताया, अगर इसमें केमिकल फूड बताया आपको, फूड एडिटिव्स बताया है, सेकंड आपको बताया है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कुछ स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं जैसे सैकरिन्स का, एस्पार्टेम्स का, एक्सेट्रास का, या दूसरा आपके पास पूछ रहे कि वे एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है या फूड प्रिजर्वेटिव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्वेटिव्स। और उसके अंदर हमने दो क्लास बताई, दो क्लास में हमने केमिकल पढ़ा, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स उसमें भी दो क्लास थे आपके पास, अभी एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे अब कहते हैं सोर्सेज कौन से हैं इसके, फ्रूट्स है, वेजिटेबल एंड प्लांट्स। एंटीऑक्सीडेंट के सोर्सेज कौन से हैं, फ्रूट्स, प्लांट्स और जो भी हमारे पास वेजिटेबल है वो यहाँ से हमारे पास। ठीक है, और इसके दो एग्जाम्पल है बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूँ बेस्ट एग्जाम्पल इसके, BHA and second is BHT, butadiene hydroxy anisole and butadiene hydroxy toluene, क्या है butadiene hydroxy टोलिन। अब इनके बाद आती है स्ट्रक्चर की हमारे पास, देखो भाई इसने बोला एनिसोल, तो भाई एनिसोल तो ये हो गया, ये क्या हो गया एनिसोल हो गया। अब दूसरा क्या कहा उसने, हाइड्रोक्सी, ये हो गया हाइड्रोक्सी। फिर क्या उसने ब्यूटाइलिन, तो ये रहा CH4+, दैट इज द स्ट्रक्चर नेम ऑफ BHA, that is the example of antioxidant। ठीक है, second हमारे पास क्या है, BHT, butylene hydroxy toluene, हमारे पास toluene है, तो toluene तो क्या होता है हमारे पास benzene के ऊपर CH3, क्या होता है CH3, और अब हमारे पास क्या है OH, CCH3 whole thrice, CCH3 whole thrice, that is your BHT। These are two examples। एक और बता देते बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड होता है या सल्फ्यूरिक होता है, वो भी ऑक्सीडेंट में यूज करता है, किसमें, वाइन्स और बियर्स के अंदर। ठीक है, वो भी उसको हम किसमें यूज करते हैं, इसमें। देखो पढ़ो, आपको डेली एक वीडियो आपके पास आ रही है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, एनी प्रॉब्लम, आप मैसेज स्पेशल और स्टूडेंट्स के लिए, यू डिस्कस टू माय पर्सनल नंबर, मैसेज मी। बट इन केस ऑफ दिस, आई थिंक दैट इन केस ऑफ CBSE वन क्वेश्चन विल बी अराइजिंग ओनली वन मार्क्स। ठीक है, दैट इज कंपल्सरी। टुडेज टॉपिक इज केमिकल इन फूड। ठीक है, थैंक यू।